नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रोजगार से जुड़े डेली के टॉप 5 न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ। आज समूचे देश में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्व स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। DRDO ने ट्रेनी के 62 पदों पर मांगे आवेदन। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चांदीपुर बालासोर ने ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती DRDO के प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल संस्थान के लिए है। भर्ती डिटेल DRDO की वेबसाइट पर उपलब्ध है। DRDO अप्रेंटिस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी 27 फरवरी 2021 से पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। DRDO की वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने कागजात PDF फॉर्मेट में ईमेल के जरिए director@pxe.drdo.in पर भी भेज सकते हैं। साहिबगंज मनिहारी के बीच जल्द ही गंगा नदी पर पुल का निर्माण होगा शुरू। बिहार झारखंड की बहुप्रतीक्षित गंगा नदी पर पुल बनाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इस पुल के चौड़ीकरण और विस्तार को लेकर दो राज्यों में लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। झारखंड के साहिबगंज से शुरू होकर बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी गंगा नदी को पार करते हुए यह पुल न सिर्फ दोनों राज्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि आसाम और बंगाल की दूरी भी बेहद कम समय में तय करने के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने वाला है। कटिहार जिला के मनिहारी गंगा तट के ग्राउंड जीरो पर साइट मैनेजमेंट ने इस खास पुल को साल 2024 तक बनाए जाने की बात कही है। बिहार के हर थानों को अब संभालेगी महिलाएं भी। महिलाओं के उत्थान को लेकर सरकार हर संभव काम करती आई है। इसी क्रम में अब बिहार पुलिस की तरफ से हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय भी लिया गया है। हालांकि बिहार के सभी जिलों में महिला थाना मौजूद है, मगर अब राज्य के सभी जिलों के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह निर्णय लिया गया है और इसके अनुसार राज्य के थानों में महिलाओं को खुद से जुड़ी समस्याओं को थानों में पुरुष थानेदारों या अन्य पुलिसकर्मियों के समक्ष बताने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर ही थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में इंटर और मैट्रिक परीक्षा की होगी ऐप से मॉनिटरिंग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2021 की ऐप से निगरानी किए जाने की बात कही है। इसको लेकर बोर्ड ने एग्जामिनेशन ऐप विकसित किया है। इसका अहम मकसद परीक्षा में धांधली को रोकने और अन्य सूचनाओं को तुरंत हासिल करना है। ऐप से सभी जिलों के DEO सहित अन्य अधिकारियों को जोड़ा गया है। इंटर की परीक्षा 1 से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक सभी 38 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। तकनीकी रूप से सक्षम शिक्षकों को इससे मॉनिटरिंग करने के लिए तैनात किया गया है। सभी परीक्षाओं में हर केंद्र पर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ शिक्षक नियुक्त होंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति DEO ही करेंगे। पटना विश्वविद्यालय में अब एक बार फिर से होगी इंटर की पढ़ाई। लगभग 15 साल के बाद एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार पटना विश्वविद्यालय ने अपने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से इंटर की पढ़ाई शुरू करने की पहल की है, जो कि राज्य सरकार के ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें, विश्वविद्यालय की तरफ से बैठक में दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत +2 स्तरीय कोर्स शुरू करने पर विचार किया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने ओपन स्कूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किए गए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र वेलफेयर डीन प्रोफेसर NK झा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। बिहार में कोरोना के मिले कई महीनों बाद 100 से कम मरीज। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर सिर्फ 82 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,59,979 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 39 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही गया में 10 और वैशाली में और ईस्ट चंपारण में 4 मामले सामने आए हैं।
आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने कही अहम बात। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानमंडल का पहला बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो कि 24 मार्च तक जारी रहेगा। इस दौरान 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट भी सदन में पेश किया जाना है। हालांकि इस बार बिहार का बजट कैसा होने वाला है, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रोके कामों को पूरा करवाना और 7 निश्चय 2 के कामों को तेजी से करना प्राथमिकता होगी। बजट में इसकी व्यवस्था की जाएगी। हम नए बजट में उसके लिए भी कुछ प्रावधान करेंगे और काम भी 2021 से शुरू हो जाएगा। हर जगह का पूरा सर्वेक्षण कर एक एक चीज के लिए काम शुरू होगा और पहले का काम जो बचा हुआ है वो भी पूरा होगा। बिहार में राजगीर के साथ साथ कई जगहों पर होगा रोपवे का निर्माण। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, पर्यटन से सरकार रोजगार को भी जोड़ने का मन बना रही है, जिसके तहत अब बिहार में रोपवे का काम कई जिलों में किया जा रहा है, जिसके तहत अब बिहार में सिर्फ राजगीर ही नहीं बल्कि नालंदा, गया, नवादा में भी इसकी जल्द ही शुरुआत होने वाली है। सरकार की माने तो जिन जगहों पर पर्यटक ज्यादा आते हैं उन जगहों पर रोपवे निर्माण को तेजी से किए जाने का मन बनाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि 20% प्रतिवर्ष की दर से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं राजगीर के रोपवे की बात करें तो इसका काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के 18 पुलिस अफसरों को किया जाएगा सम्मानित। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न के साथ साथ बिहार के 18 पुलिसकर्मियों को वीरता विशिष्ट और सराहनीय काम करने के लिए राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक, पुलिस सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई है। जिन पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित करना है उसमें इंस्पेक्टर एसटीएफ वीरेंद्र कुमार मेधावी, प्रदीप कुमार, दरोगा धनराज कुमार का नाम शामिल है। इसके साथ ही सूची में सिपाही एसटीएफ उत्तम कुमार और शर्मेंद्र कुमार को भी शामिल किया गया है। लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट से लगाई गुहार। लालू प्रसाद यादव की तबियत इन दिनों काफी ज्यादा खराब चल रही है। वहीं उनकी तबियत को लेकर ही लालू प्रसाद यादव ने अब झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। आपको बता दें, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। लालू की तरफ से उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद लालू की जेल में रहने की अवधि की पूरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार मामले में 42 महीने 23 दिन जेल में बिताए हैं, जो कि सजा की आधी अवधि होती है। वैशाली के कुटागार शाला विहार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुटागार शाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। उत्खनन ने इसके निर्माण के 3 चरण को उजागर किया है। मूल रूप से यह एक छोटी सी चिता थी जो सुंगा कुंज काल के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान दूसरे चरण में एक ऊंचा मंदिर में इसे विस्तार किया गया था और अंत में इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान दूसरे चरण में एक ऊंचे मंदिर में विस्तार किया गया था और अंत में गुप्ता अवधि के बाद तीसरे चरण में कई विभाजन दीवाने प्रदान कर मंदिर को मठ में परिवर्तित किया गया था। बिहार में अब किसानों के खाते में जाएंगी रासायनिक खाद की सब्सिडी। रसोई गैस की सब्सिडी की तर्ज पर रासायनिक खाद की खरीद पर उनके खाते में उससे संबंधित सब्सिडी भेजी जाएगी। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस योजना को एक साथ पूरे देश में शुरू किया जाएगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खाद की कालाबाजारी को रोकना और डिजिटल पेमेंट से खाद की खरीद करना है। अगले 2 दिन तक बिहार में ठंड से कोई राहत नहीं। बिहार में ठंड का सितम जारी है, जिसके बाद अब लोगों को ठंड का सामना आने वाले 2 दिनों तक करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार ठंड के कारण कोहरे का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अगले 2-3 दिनों तक मध्यम से घने कोहरे की संभावना देखने को मिल रही है। सुबह में घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिसके कारण दृश्यता कम हो जाएगी। सोमवार की बात करें तो राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है। बिहार में अब स्ट्रीट लाइट की होगी नंबरिंग। बिहार के नगर निकायों में लगाई गई स्ट्रीट लाइट की नंबरिंग जल्द ही की जाएगी। इसके लिए संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी और सिटी मैनेजर अपनी तरफ से एक जांच करवाकर लाइट लगाने और उसके सही रहने की स्थिति की रिपोर्ट लेने वाले हैं। इसके साथ ही बीते दिन से राजधानी पटना के स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है, जिसके तहत जिले के सभी खराब लाइट को बदले जाने की पहल भी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, समूचे राज्य के 36 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा किया जाना है। वहीं पहले से चले आ रहे 35 नगर में स्ट्रीट लाइट का काम भी मार्च तक पूरा हो जाएगा। साइकिल गर्ल ज्योति को मिला
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बीमार पिता को लॉकडाउन के दौरान अपने साइकिल पर पीछे बिठाकर बिहार के दरभंगा जिले पहुंचने वाली ज्योति आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। ज्योति ने अपने सफर के कारण कई उपलब्धियों को अपने नाम दर्ज किया है। हालांकि अब ज्योति के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। 1200 किलोमीटर तक साइकिल से सफर करने वाली ज्योति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको लेकर बीते दिन वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ज्योति के हौसले की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ज्योति पर देश को गर्व है। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पुरस्कार जीवन का छोटा पड़ाव है, मगर समय के अभाव के कारण ज्योति का सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाया, जिससे वो थोड़ी मायूस नजर आई। बिहार में ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने पर दिया जाएगा ध्यान। राज्य में अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के तहत सभी 38 जिलों में ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत अब लगभग 6500 किलोमीटर की लंबाई में ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। सरकारी सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी जिन भी सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर मापी गई है, उन्हें अब बढ़ाकर 5 मीटर तक किया जाएगा। इसका मकसद यातायात सुविधा को बेहतर बनाने, इसके लिए DPR जमा करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। इसके बाद अब टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा, जिसके बाद जून 2021 तक काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अब अपना ताजा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिलों को 27 जनवरी तक बूथों के भौतिक सत्यापन का निर्देश जारी किया गया है। बूथों के निर्धारण के बाद विधानसभा के तर्ज पर हर बूथ का नाम और उसकी संख्या को दर्ज किया जाना आवश्यक बताया गया है। बूथों के नाम पर उसकी संख्या दर्ज होने से पोलिंग पार्टी को सही बूथ तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। पंचायत चुनाव में 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया जाना है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य भर में लगभग 1,20,000 बूथ स्थापित किए जाने हैं। बर्तन छोड़ हाथ में ब्रश थामने वाली महिला को किया जाएगा सम्मानित। बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव निवासी दुलारी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है। मंत्रालय ने उन्हें पहले ही फोन करके इस बात की जानकारी दे दी थी। फोन आने के साथ ही पूरे गांव में खुशी की लहर देखने को मिली। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह तीसरा मौका है जब मधुबनी जिले के रांटी गांव के किसी व्यक्ति को पद्म सम्मान से नवाजा जा रहा है। इससे पहले गांव के और दो लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। आपको बता दें, दुलारी देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, हालांकि उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। लालू यादव की रिहाई के लिए रोहिणी ने राष्ट्रपति को भेजा आजादी पत्र। पिता लालू यादव की बिगड़ती सेहत को लेकर रिहाई के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक कैंपेन की शुरुआत की है। इसकी जानकारी देते हुए रोहिणी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति को एक आजादी पत्र गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के लिए लिखा गया है। इस मुहिम से जुड़कर उनकी आजादी के लिए अपील करें। उन्होंने हमें ताकत दिया, आज उनकी ताकत बनने का समय आ गया है। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश राजद कार्यालय से हुई है। अभियान के तहत बड़ी संख्या में उनके समर्थक राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। 1 से 8वीं तक के क्लास अभी नहीं खुलेंगे, करना पड़ेगा इंतजार। बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा है कि ठंड अभी कम नहीं हुई है, आगे तापमान में सुधार होने के बाद ही छात्रों के स्कूल खोले जाने पर कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही कोरोना के मामले को देखते हुए भी अभी इस फैसले को टाला जा रहा है। दूसरी तरफ कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 4 जनवरी से ही चल रही हैं। जूनियर सेक्शन के छात्रों को अभी घर में ही रहकर पढ़ने की सलाह दी गई है। अप्रैल महीने से कामगारों के बैंक खातों में ही मिलेगा वेतन। कोरोना के बाद बिहार के निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से साझा की गई ताजा जानकारी के अनुसार अब ऐसे कामगारों को अप्रैल महीने से बैंक खाते में ही वेतन भेजा जाएगा, जिसका लाभ अब लगभग 2 लाख कामगारों को मिलने वाला है। इसके साथ ही इस निर्णय के साथ विभागीय अधिकारियों को भी यह निर्देश जारी किया गया है कि सभी ठेकेदारों से कामगारों के खाते का ब्यौरा जमा करें जिन्होंने भी लाइसेंस लिया है, ताकि उन सभी लोगों के खातों में भी मजदूरी का भुगतान किया जा सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 1949 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान सुपुर्द किया गया। इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने अपने पद से त्यागपत्र राज्य के दिन दिया था और डॉ. राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बन गए थे।
1950 में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। 1963 में मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। 1972 में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति को आज ही के दिन स्थापित किया गया था। 1981 में पूर्वोत्तर भारत में हवाई यातायात सुगम बनाने को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा वायुदूत शुरू किया गया। 2008 में 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने परेड की सलामी ली। टीम इंडिया के दो खिलाड़ियों को लेकर कोच ने की भविष्यवाणी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मैच ऐतिहासिक करार किया गया है। वहीं मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद टीम इंडिया की फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने दो खिलाड़ियों का जिक्र किया है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे को बहुत स्पेशल बताया है। श्रीधर ने अपने पैमाने पर जिन दो को परखा है उनमें एक मोहम्मद सिराज है तो दूसरे हैं हनुमा विहारी। मोहम्मद सिराज को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनमें 100 टेस्ट मैच खेलने की काबिलियत है जबकि हनुमा विहारी में चेतेश्वर पुजारा का अक्स दिखता है। पटना के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का हुआ आयोजन। पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में 10 दिवसीय चौथा इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन जारी है। ऐसे में यहां अब पटनावासियों की भी खूब भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आयोजित इस मेले में 8 विभिन्न देशों से उद्यमी आकर यहां अपने उत्पादों का स्टॉल लगा रहे हैं। लोगों को यहां के उत्पाद खूब जच भी रहे हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लेबनान के विशेष पत्थरों का स्टॉल लोगों को खूब भा रहा है। यहां लोग लेबनान के पत्थर जड़ित ज्वेलरी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मेले में घर के सजावटी सामानों के लिए एंटीक उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखने को मिल रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, गणेश कुमार, रौनित कुमार यादव, सुनील महतो गोपालगंज, रंजीत मेहता, मुकेश कुमार यादव, उजाला चौधरी, विक्रम यादव, गजेंद्र सिंह, अनन्या कुमारी, जीटी रवि, मुकेश कुमार पासवान, अमरजीत कुमार, दिव्यांशु कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।